जहां आज चारों तरफ कोरोना संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है, पर वहीं संभल में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। वहीं जनपद में लोग अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वही वजह है लोग हर मिनट दम तोड़ रहे हैं, पर ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की सांसें तक रोकने पर उतारू हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र राज मोहल्ला से जुड़ा है। मामला एक संदिग्ध कोरोना महिला से उसका ऑक्सीजन सिलेंडर छीनने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसकी अचानक तबीयत खराब होती है। ऑक्सीजन की दिक्कत के चलते परिवार के लोग दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं, पर उनको ना खाली सिलेंडर मिला और ना ही भरा हुआ मिला। पर आखिरकार पीड़ित सलीमुद्दीन को एक सिलेंडर शाहरुख खान नाम के एक व्यक्ति ने किसी के माध्यम से दिया। उस सिलेंडर को लेकर सलीम शानो वारसी नाम के समाज सेवी से रिफिल करवाने पहुंचे और रिफिल करवाकर महिला को ऑक्सीजन लगा दी। पर सिलेंडर मालिक शाहरुख को यह बात हजम नहीं हुई कि सिलेंडर शानो वारसी से क्यों करवाया। इसी बात को लेकर तिलमिलाए आरोपी शाहरुख संदिग्ध कोरोना पीड़ित के घर पहुंचकर पहले हंगामा किया और सिलेंडर वापस मांगने का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कुछ देर की मोहलत मांगी, पर आरोपी शाहरुख ने जबरदस्ती महिला का ऑक्सीजन सिलेंडर छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला की हालत और ज्यादा नाजुक हो गई, जिसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया और आरोपी के खिलाफ हंगामा होता रहा, पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले में पीड़ित सलीमुद्दीन ने देर रात में चंदोसी कोतवाली में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिसमें आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। पुलिस मामले में जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है। मेरा नाम है सलीमुद्दीन। अच्छा, आप कोतवाली चंदोसी तहरीर देने आए, क्या मामला? तहरीर देने आए, मतलब ये है कि हमारी बीवी जो है वो फेफड़ों के संक्रमण से ज्यादा परेशान है। अच्छा, कोविड संक्रमित, मतलब सांस की यहाँ बड़ी दिक्कत है, और हम जो है वो उसके लिए मतलब जो है मतीनुद्दीन वल निजामुद्दीन से मतलब जो है सिलेंडर हमने खाली लिया था, और वो सिलेंडर हमने शानू वारसी साहब से उसको लेकर रिफिल कराया था। ठीक। जब मतीनुद्दीन के लड़के को पता चला कि ये सिलेंडर हमारा वहाँ पर लग रहा है, तो ये लोग 12:30 बजे करीब अभी पहुंचे घर पे, और इन्होंने मतलब जो है लगे हुए सिलेंडर को मरीज के मतलब मुंह पर से हटा दिया काफी देर, और उनकी इस वक्त स्थिति ज्यादा बिगड़ चुकी है। क्या ऑक्सीजन लेवल है? ऑक्सीजन लेवल जो है 50-55 आ रहा है, और ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब जो चीज खराब हो गई हटाने में आधा घंटे से लेवल उसका नहीं आ रहा है। अगर कोई अगर उनकी जान को हैसियत होती है उसके लिए शाहरुख खान वलियत है मतीनुद्दीन उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपने थाने में तहरीर दी? थाने में तहरीर मैंने अभी दे दी है। कोतवाल साहब से विनती करिए कि कोतवाल साहब अभी तुरंत ये इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या क्या बात है भाई साहब, पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरी बात सुन लो आप जी। ये सलीमुद्दीन साहब है जी, इनका इनकी बीवी की बहुत बुरी हालत है। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, 2 दिन से नहीं सोया हूँ, और मेरे लड़के लाइनों में लग के सिलेंडर बांट रहे हैं, जगह जगह से सिलेंडर लाकर बांट रहे हैं। 100 से ज्यादा सिलेंडर मैंने आज इस चंदोसी की बस्ती में बांट दिए। ये सलीम भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं। जब ये आए और इन्होंने मुझे बताया कि मेरी बीवी की बहुत बुरी हालत है, तो मैंने इन्हें 5 बार सिलेंडर भर के दे दिया। और अब तक कितनी बार दे दिया? 5 बार। इनकी बीवी की पोजीशन क्रिटिकल है, 50 ऑक्सीजन आ रही है। और यहीं पे एक रहते हैं मतीनुद्दीन साहब, उनके बेटे हैं शाहरुख इंजीनियर साहब, जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत मालदार हैं। वो सिलेंडर मुझे नहीं पता था बाखुदा, क्योंकि मैं किसी से पूछ के नहीं दे रहा था ये सिलेंडर किसका है क्या है। मेरे यहाँ तो जो सिलेंडर लेने आ रहा था वो मैं उसको गैस दे रहा था, रिफिल कर रहे थे। वो सिलेंडर जो इनके यहाँ सिलेंडर लगा हुआ था वो शाहरुख का सिलेंडर था, इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने ये कहा कि लाओ शाहरुख से मैं दरख्वास्त कर दूंगा, और शाहरुख से मैं कह दूंगा कि भाई कोई बात नहीं है सिलेंडर की कोई बात नहीं है। तो उसमें उन्होंने छूटते ही मुझसे ये कहा कि सिलेंडर तो हम अपना लेके रहेंगे। इसमें मैंने कहा शाहरुख यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैं शानू वारसी बोल रहा हूँ। बोले हाँ मैं सब जानता हूँ। तो मैंने कहा तुम मुझसे कैसे ले लोगे सिलेंडर, तुम मुझसे छूटते? बोला हम तुझसे सिलेंडर ले लेंगे। और मुझसे बदतमीजी करी फोन पे, गाली दी, मुझे धमकी दी। मतलब एक तरफ आप लोगों की निरंतर संभल के अंदर मदद कर रहे हैं भाई, दूसरे ये है गवाह इस बात के, ये इनके सिलेंडर है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल जब उसने मुझे फोन पे बदतमीजी बोली और मुझसे बदतमीजी करी फोन पे, तब मैं यहाँ आया हूँ कि भाई मुझसे मेरी खता क्या है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी खता क्या है, कि मेरी गलती बताओ कि मेरी ये गलती है। अरे सिलेंडर इनका, बीवी इनकी, सिलेंडर शाहरुख का, गैस इनके लग रही है, मैं तो फ्री में गैस बांट रहा हूँ, तो मेरा क्या गुनाह है? मुझसे ये कह रहा कि तेरे तो होगा तो मैं तुझसे सिलेंडर ले लूंगा। तो मैंने कहा भाई मैं आ गया, सिलेंडर जान में जोखिम, मैं आ गया अपना यहाँ।